रिकन डाइट का मतलब भी क्या होता है, रिकन डाइट का भी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स हो, जो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो, जो बहुत कम को समझ आएगी उसी को बोल के चलते हैं मेरे बच्चे हम रिकन डाइट, जो कॉम्प्लेक्स हो और जो चीज मिस्टीरियस बन जाए, तो उसके लिए हम रिकन डाइट शब्द का यूज करते हैं। नॉट नोन अबाउट बाय मेनी पीपल, ज्यादा लोगों को इसके बारे में खोज खबर नहीं है, एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, समझ रहे हो भैया, आगे सुनिएगा। सो वी हैड टू वर्क फ्रॉम मटेरियल एंड दैट वाज बोथ कॉम्प्लेक्स एंड रिकंडाइट, मतलब एक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, हाँ, और किसी की मदद भी ले तो वैसे ही वो कम लोगों को समझ आता है, सो वैसे भी वो रिकंडाइट हो गया, तो उसके लिए आप ये चीज यूज करते हैं। सो क्या है वो, कॉम्प्लेक्स भी है मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है, और साथ साथ रिकंडाइट भी, मतलब दूसरों की भी मदद लेंगे तो बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, हर किसी से आप सलाह नहीं ले सकते। सो इसके लिए आपने शब्द यूज किया बेटा रिकंडाइट एज एन एडजेक्टिव, आप इसे यूज कर रहे हो छोटे भाई। आगे देखो बेटा, अगले वर्ड में हमारे पास कह रहा है इसी का एक, तो रिकंडाइट याद रहेगा, इसी का अगला एक दोस्त आ गया बेटा प्रोफाउंड। ओहो प्रोफाउंड को कहां था ये, सॉरी 5, 6, 7 ये था भाई 8वां, नंबरिंग ठीक करो ताकि आपको याद रिवीजन करने में मजा आए। अच्छा कल मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेंगी हमारी ऐप पर, सारा कुछ समझा दूंगा कल, वो वीडियो आपके लिए डाल दूंगा कैसे आपको इनकी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, कैसे आपको सारी चीजें देखनी है। आगे बढ़िएगा बेटा, ठीक है, 7 क्लास की इकट्ठी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी बनाएंगे यार काफी दिन हो गए, चलो 7 क्लास हो गई, प्लेलिस्ट बनाने में मजा आएगा। प्रोफाउंड बेटा, प्रोफाउंड को मैं 9 और 10 बोल के चल रहा हूं क्योंकि इस प्रोफाउंड के भी 2 मीनिंग होते हैं बेटा। जब आप प्रोफाउंड का मीनिंग देखते हैं तो याद रखिएगा 2 मीनिंग इसके निकल के आते हैं, ध्यान से सुनो। एक तो प्रोफाउंड होता है बेटा जो बहुत कम समझ में आए, मतलब डिफिकल्ट, सेम मीनिंग सिनोनिम हो गया। एक प्रोफाउंड का मतलब होता है बड़े गहरे जख्म मेरे दिल पर रह गए, बड़े गहरे जख्म मेरे दिल पर रह गए, मुझ पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा तो उसके लिए मैं कह सकता हूं बेटा प्रोफाउंड, मुझ पर उस चीज के प्रोफाउंड इफेक्ट्स थे, मुझ पर उस चीज के प्रोफाउंड इफेक्ट्स थे, बड़े गहरे इफेक्ट्स थे, बड़े स्ट्रॉन्ग इफेक्ट थे। प्रोफाउंड के भी 2 मीनिंग होते हैं, प्रोफाउंड पहला डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और दूसरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहना, 2 मीनिंग प्रोफाउंड के निकल के चलते हैं। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया भाई साहब। पहला मीनिंग है बेटा शोइंग अ क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सीरियस मैटर, कि आपको किसी सीरियस मैटर को एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं कुछ मुश्किल आपसे पूछ रहा हूं, कुछ टेक्निकल आपसे पूछ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा चलो भाई मैं आपसे एक प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछता हूं, एक प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछता हूं। सो यू आर टचिंग ऑन अ वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन। सो बड़ा क्या है उसमें तो डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी लगेगी, उसमें तो बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी लगेगी, तो मैं आपसे एक प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछता हूं। पाजी पहला मीनिंग तो आ गया भाई मेरे प्रोफाउंड का, ये निकलकर आसान हुआ कहानी, आगे सुनिएगा। दूसरा है बेटा फेल्ट और एक्सपीरियंस वेरी स्ट्रॉन्गली इन अ एक्सट्रीम वे, बहुत गहरे तरीके से किसी चीज को फील करना, ठीक है। तो हिज मदर्स डेथ व्हेन ही वाज एज्ड 6 had a very profound effect on him, तो उस पर बड़े profound effect उस चीज के रहे कि उसके जो माता जी थी वो गुजर गई थी, उस पर बड़े गहरे जख्म उसके दिल पर रहे। So बेटा वो बोल दिया गया profound, ठीक है, बहुत आसान। जो भी बच्चा छोटी छोटी बातें पूछ रहा है क्लास के एंड में बताऊंगा, बीच में बेटा एक फ्लो से वो कैब याद करते चले गए। आप देख रहे ना इस बैच में मेरा रवैया अलग है, पुराने जो वो कैब बैच था उसमें मेरा रवैया अलग था, इसमें मैं जब तक रिदम पे है ना एकदम वोकैब उस चीज को लहराते हुए याद करो बेटा, मेंस आने लग रहा है, सारे पेपर आने लग रहे हैं, इनसे बाहर कोई वोकैब नहीं है, तो अपना याद करके चलना। चलो बेटा अगला वर्ड, ओहो बड़ा ही प्यारा वर्ड है मेरे दिल के बहुत करीब। आप बोलोगे सर हर एक वर्ड तो दिल के करीब आपके, ये बहुत करीब है दिल के, क्यों, क्योंकि बेटा बड़ी शिद्दत से पीडीएफ बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। 11वां वर्ड देखिएगा पाजी, एनिग्मेटिक। यार एनिग्मेटिक पता है क्या होता है, मुश्किल समझने के लिए। जैसे जैसे कई बार आप लोग ऐसे लोगों से मिलते हो, ठीक है, या ज्यादातर, ठीक है, आपके साथ क्या होता है, जैसे आप लोग खड़े हो, 4 लोगों का ग्रुप खड़ा है, पास से एक लड़की गुजरी और उसने आपकी तरफ देखा और स्माइल करके चली गई। अब तुम्हें उसकी स्माइल का मतलब समझ नहीं आ रहा, कहते कि कैसी मुस्कुराहट थी भाई, हाँ, और हमारे 4 लोगों ने खुशने मेरे को देखकर हंसी, तो हमें ये नहीं पता चला वो मुस्कुरा आखिरकार कैसे गई। ज्यादातर ये वर्ड, ये एग्जाम्पल मैं क्यों सेट कर रहा हूं बेटा, ये यूज किया जाता है स्माइल के लिए, एनिग्मेटिक स्माइल, देख रहे हो एनिग्मेटिक स्माइल, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसका मतलब ही नहीं समझ आ रहा है भाई सब कहना क्या चाह रही है। फिर आगे हमने देखा वो लड़की दूसरे को देख के मुस्कुरा रही है, आगे हमने देखा फिर मुस्कुरा रही है, आगे देखा फिर मुस्कुरा रही है, पता चला तुम ही बेवकूफ बन गए बेटा, वो तो मुस्कुराने की आदत है उसकी वो तो मुस्कुराने की आदत है उसकी, तुम खामखा वो कैब की क्लास छोड़कर रिप्लाई देने चले गए। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मिस्टीरियस एंड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, शी हैज अ फेमसली एनिग्मेटिक स्माइल, तो उसकी तो एक एनिग्मेटिक स्माइल है, तुम तो खामखा ख्वाब बुन बैठे, ठीक है, दिल तो बच्चा है जी से, याद रखना इस एग्जाम्पल से एनिग्मेटिक वर्ड को। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पता ही नहीं चला रहस्यमय स्माइल है, ठीक है, वो चीज यहाँ है। कई बच्चे नहीं होते मुस्कुराते रहेंगे, कई टीचर ऐसे होते थे मुस्कुराते थप्पड़ मार देते थे, उनका चेहरा ही ऐसा होता था, कहता समझ नहीं पाते कब ये बंदा रियल में खुश है, समझ नहीं पा रहा कब ये बंदा रियल में खुश नहीं है, कई टीचर ऐसे होते थे और उनका थप्पड़ बड़ा भयंकर लगता था क्योंकि हमने बॉडी टाइट नहीं की होती थी, क्योंकि टीचर होते चेहरे से ही दिखाते थे कि थप्पड़ मारूंगा, तो चेहरे से दिखाते ना बॉडी को टाइट कर लेते थे, थप्पड़ लगने वाला है, हाँ। बट ऐसे टीचर जो ऐसी स्माइल करते थे पता ही नहीं चल रहा भाई साहब ये बंदा गुस्से में मुस्कुरा रहा है या ये बंदा वाकई में मुस्कुरा रहा है, इसको मेरा जोक पसंद आ गया,
ठीक है, ये चीज यहां पर है, तो वो ऐसे चिपकाते थे तो हमारी बॉडी ढीली होती थी, जो ढीले मुंह पे लगता था पर ज्यादा लगता है भाई साहब, ऐसा ही कुछ है। तो वही चीज यहां पर आपने अंडरस्टैंड करनी है, याद रहेगा पाजी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई साहब।